देश भर में बुधवार को धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में न सिर्फ एक अहम भूमिका निभाई बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए संविधान निर्माण की भी जिम्मेदारी उठाई। बिहार की राजधानी पटना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें शत शत नमन किया। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां जेडीयू विधायक महेश्वर हजारी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष अजीत चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के दहशत के बीच डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती पर पूरे देश में उनको नमन कर रहा और बिहार के विपक्ष के नेता भी तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर उन्हें नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पटना स्थित आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भी अंबेडकर जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही कोरोना के कारण नेता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। झारखंड के लातेहार में भी बसपा के जिला अध्यक्ष मुनेश्वर राम नेतृत्व में भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरीब छात्रों के बीच शिक्षण सामग्री का वितरण भी किया।